देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में क्या करना है, तो हमको निकालना है बेसिकली एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट हैं लेट्स से अल्फा बीटा गामा। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो अल्फा इसका रूट है तो हम सेटिस्फाई करा देते, तो अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू है अल्फा स्क्वायर, तो इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा अल्फा एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन। स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वन। अल्फ़ा स्क्वायर कितना एक्स है, तो ये आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस टू बी माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं वन एज्यूम करता हूँ, ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ए इक्वल आइडेंटिकल हैं ये दोनों, तो आइडेंटिकल है तो कंपेयर कर लो, तो टू बी माइनस ए स्क्वायर होगा माइनस ए के बराबर, बी स्क्वायर माइनस टू ए होगा बी के बराबर, ये कंपेयर कर लो, तो यहाँ से आ रहा है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस टू ए इक्वल टू जीरो और ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो, ए इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो होगा तो बी इक्वल टू थ्री, नहीं ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी थ्री थ्री पुट करेंगे तो आ जाएगा नाइन माइनस थ्री माइनस सिक्स, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब सिमेट्रिक इक्वेशन है तो ए इक्वल टू बी होगा, सबट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू बी पुट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इक्वल टू जीरो, तो ए होगा इधर जीरो और थ्री। ठीक है, ए तो जीरो जीरो होंगे दोनों या तो थ्री थ्री होंगे, तो बी और सी दोनों आंसर हो गए।